हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं CUT का PYK की सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो उस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आ चुके हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे कॉन्टेंट अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्को सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एस बी। मतलब कह रहा है कि ए जो है बी के दुगुना है, मतलब दुगुना बढ़िया काम करता है। अगर एक इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये इफिशियंसी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या है, इफिशियंसी दिया हुआ है, बात समझिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इफिशियंसी देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो अगर इफिशियंसी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन में टाइम निकालते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई काम को करता है काम और कितने समय में करता है, उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। अगर टोटल वर्क निकाला जाएगा तो इफिशियंसी इंटू टाइम कर दिया जाएगा, तो हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जो बी है वो अगर एक काम करता है तो उससे दोगुना काम करता है ए, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो अगर हम लोग क्या करें, टोटल वर्क यहाँ से निकाल, आगे देखते हैं क्या लिखा है, वो टुगेदर दे कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डे। दोनों मिल करके किसी काम को 18 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। इन हाउ मनी डे विल ए एलोन फिनिश द वर्क, मतलब ए एलोन कितने दिन में पूरा कर सकता है काम को। यहाँ पे बी भी पूछ सकता है, तो मैं ए का ही बता दूंगा और बी का ही बता दूंगा, दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब टोटल वर्क निकालते हैं, जैसा मैंने बताया कि इफिशियंसी टू टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों, जिस तरीके से काम कर साथ में करते हैं, तो इफिशियंसी हमारे पास कितना है, 2+1 मतलब 3 है, और हमारे पास टाइम कितना था, 18 डेज था। तो अगर टोटल वर्क देखा जाए, 18 का 18, 18 दुनी के 36, 54 कितना हो जाएगा हमारे पास, जो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया, 54 हो गया। अब पूछा है ए कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल काम 54 है और ए की इफिशियंसी 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन में काम कर सकता है, 27 दिन में उस काम को ए कर सकता है। अगर वही बी पूछता तो 54/1 कर देते हैं और बी कितने दिन में काम करेगा, 54 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे जो हमारा ए का पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और 27 डे में वो जो ए जो है उस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पसंद आया, और चैनल पर ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्ले लिस्ट मैं बना रहा हूँ, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आप जाकर देखिएगा, और इसका प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ, जाकर देखिए। थैंक यू सो मच।